मुड़ 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 जा। ध्रुव, ये तुम्हारा भी फेवरेट बीच है क्या, केप टाउन का? वैसे क्लिफ्टन बीच जो है वो दुनिया के टॉप 10 बीचेस में आता है। साउथ अफ्रीका का तो वन ऑफ द बेस्ट है ही, पर दुनिया के टॉप 10 में आता है। अगर किसी के घुटने खराब हो तो इस बीच पे कोई आ ही नहीं सकता। वो What's on the other side of inhibition? No apologies, my baby. I tell you, don't, 'cause I'm feeling so good. क्लिफ्टन बीच पे तो टोटल चार बीच हैं। ये बीच नंबर 4 है ना, और ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा भीड़ वाला है, तो हम इसको छोड़ के थोड़ा आगे वाले में जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी भीड़ कम होगी। पिछले वाला था बीच नंबर 4, ये है बीच नंबर 3। और वैसे ये बीच है समलैंगिंग। और ये है क्लिफ्टन 2, जो कि स्टूडेंट्स के लिए फेमस है। तो बीच नंबर 4 जो था वो सबके लिए है, बहुत भीड़ रहती है, सबसे बड़ा है। 3 जो है वो गे बीच है, 2 जो है वो स्टूडेंट के लिए जाना जाता है, और जो 1 है वो सर्फर्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ वेव थोड़ी हाई होती है। एक फैक्ट है इसका कि यहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों में ना गर्म हो जाता है पानी, ऑफकोर्स सनलाइट पड़ती है पानी के ऊपर, पर क्लिफ्टन बीच पे क्या होता है कि गर्मियों के टाइम पे हवा बहुत चलती है तेज, तो जो ऊपर का हल्का हल्का गर्म पानी होता है हवा उसको उड़ा के ले जाती है, और ये यहाँ पे जो फिर टेम्परेचर जो होता है वो गिर जाता है, 10 डिग्री से भी नीचे हो जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में उल्टा होता है, यहाँ पर सर्दियों में 20 डिग्री पहुँच जाता है, तो गर्मियों में पानी ज़्यादा ठंडा होता है। क्लिफ्टन बीच का जो इलाका है उसको कहते हैं क्लिफ्टन एरिया, और हाँ वाह हाँ बट कहते हैं, और ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे एक भी दुकान नहीं है 3-4 किलोमीटर के एरिया में, पूरा रेजिडेंशियल। जैसे क्लिफ्टन एरिया सबसे महंगे एरिया में भी है साउथ अफ्रीका के, जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा महंगी है, किराए पर लेने के लिए भी और ख़रीदने के लिए। तो और ये फाइनली क्लिफ्टन 1 बीच है, ऊपर ड्रोन उड़ रहा है, मैं तो लाया नहीं, मुझे लगा ये अलाउड नहीं है, पर कोई नहीं, हम यहीं रहते हैं, आगे आने वाली वीडियो में यहाँ पे अपना ड्रोन लाके ड्रोन भी उड़ा लेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ की वाइब एंजॉय कीजिए नीचे वाले कैमरे से, हवा वाले से नहीं। भाई क्लिफ्टन बीच की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडिक स्टोरी है, मैंने भी देखा। मैंने क्या हुआ था कि एक मोजम्बीक जो एक देश है साउथ अफ्रीका के बाजू में, वहाँ से एक जहाज़ निकला था, ये बात है तकरीबन 200 साल पुरानी। उस जहाज़ में 500 लोग थे और वो ब्राज़ील जा रही थी शिप, और वो जहाज़ तकरीबन इस एरिया में यहीं कहीं, मतलब 1 किलोमीटर क्लिफ्टन शोर से दूर डूब गया था, तो उसमें 250 या 300 लोग मरे थे। तो और 2 शार्क अटैक हुए हैं आज तक क्लिफ्टन बीच पे। क्लिफ्टन पे शार्क अटैक 2 हुए हैं, हाँ, जो आखिरी हुआ था वो 1972 में हुआ था। आज क्योंकि मैं क्लिफ्टन बीच पे वीडियो बना रहा हूँ तो सारी रिसर्च करके आया हूँ।
जो समुंदर हो, पहाड़ हो, पार्क हो, जितने भी इस तरह के पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए हर देश में, जिससे लोग अपने दोस्त और फैमिली के साथ जाके थोड़ा इन्जॉय कर पाए बाहर बिना पैसे खर्च किए हुए। क्योंकि आउटिंग करना, नेचर को इन्जॉय करना, ये हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।